ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप में ज्वाला मां का पूजन किया गया। बाहरी राज्यों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन ने इसके बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु मां ज्वाला की ज्योतियों के लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप में ज्वाला मां का पूजन किया जा रहा है और आज भी बारिश लगी हुई है और मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। वहीं राज्यों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन ने इसके बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधा के अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। जय माता की। सभी भक्तों को दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष का दूसरा नवरात्रा मनाया जा रहा है। मंदिर श्री ज्वालामुखी में आज भी बारिश लगी हुई है, इसलिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है। श्रद्धालु कम संख्या में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने बड़े अच्छे प्रबंध किए हुए हैं और लंगर की व्यवस्था की हुई है। मौसम बड़ा सुहाना है और लोग आज ब्रह्मचारिणी के रूप में महामाई ज्वाला जी के दर्शन कर रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शारदिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता की।